देश की राजधानी दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ रही है, तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी में गरीब जरूरतमंदों के बीच एक ही सहारा अलाव और अंगीठी नजर आ रहा है। सुबह सुबह लोग जो दुकान खोलते हैं या फिर घर के बाहर एक साथ बैठते हैं, वो सर्दी से बचने के लिए अलाव या अंगीठी जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह अलग अलग तस्वीर साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका मोड़ और बाबरोला इलाके की है, जहां आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड और कोहरे का आलम यह है कि सुबह उठने के बाद जब वो अपने अपने घरों से निकलते हैं, तो धुंध भरी सुबह के साथ ठंड और हवा का एहसास होता है, जिसका असर दिन भर बना रहता है। इस वजह से लोगों के हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं और लोग लगातार हाथों और खुद को अलाव जलाकर गर्म रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। बताइए, मोहम्मद नबी मंसूरी, क्या कर रहे हैं आप लोग? कर क्या रहे सर, ये आग से ताप रहे, गरीब आदमी हैं, ये आग का ही सहारा है। बड़े आदमी तो भाई हीटर से ताप रहे, हम तो इससे आग से ही सहारा हैगा। बस ठंड बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी है, बस लक्कड़ से ही सेक रहे हैं। लक्कड़ से ही सेक रहे हैं, क्या करें बताओ। बड़े आदमी तो हीटर से ताप रहे, पैसा है नहीं, गरीब आदमी क्या करें, लक्कड़ का ही सहारा है। तस्लीम, क्या कर रहे हैं? गरीब लोग हैं यार, मेहनत मजदूरी करते हैं, ठंड भी पड़ना जरूरी है, ठंड नहीं पड़ेगी तो भी परेशानी दिक्कत आएगी, और गर्मी भी जरूरी है। और ये है कि लक्कड़ सेक के आगे जला जला के सेक रहे हैं आगे से,